हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट एग्रेरियन रिफॉर्म्स, द रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। पिछली वीडियोस में हम फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने इंडियन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या एफर्ट किए, कितनी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स प्रोवाइड की, कितना रिसर्च पे काम किया, कितना नई तरह के सीड्स प्रोवाइड किए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की। फिर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से ज़मींदार सिस्टम को ख़त्म किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया, रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट किया, हर चीज़ ना। एक्चुअली अगर देखा जाए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई पुल गिरता है, सपोज एक बहुत बड़ा कोई ब्रिज था पुराना और वो गिर गया, तो आम तौर पर उसके गिरने के पीछे वन रीज़न रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जो क्यूमुलेटिवली काम करते हैं नेगेटिव सेंस में, तो वो पुल गिरता है। इसी तरह से जो इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे। अब अगर इंडियन एग्रीकल्चर को पुश देना है, अगर इंडियन एग्रीकल्चर को आगे निकलना है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, पिछली वीडियोस में हमने ये भी स्टडी किया था कि जो हमारी आउटपुट है पर हेक्टेयर, वो वर्ल्ड एवरेज से भी लो है। अगर हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हम ठीक करें, तो डेफिनेटली उसके लिए सिर्फ एक स्टेप लेने से तो होगा नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी होगी। फार्मर को भी ट्रेनिंग देनी होगी, उसकी टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना होगा, उसके सीड्स को भी इम्प्रूव करना होगा, फर्टिलाइजर्स को भी इम्प्रूव करना होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना होगा। इधर वो लैंडलेस लेबरर अगर है, तो उसको प्रोटेक्शन भी देनी होगी, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ क्रॉप शेयरिंग करते हैं, उनके लिए लैंड सीलिंग लॉ भी लाना पड़ेगा। सो अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने हर एरिया में काम किया, उनमें से दो एरियाज, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। सो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग टेक्निकल रिफॉर्म्स, बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब ये हो गया बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को बेटर यूज़ करेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी आज पूरे विश्व में बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। सो अगर हम टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली इससे हमारी जो आउटपुट है पर हेक्टेयर, वो इम्प्रूव होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। इफ़ वी यूज़ टेक्नोलॉजी इन ए बेटर वे, हम टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उसको यूज़ करें, प्लस अगर हो सके तो हम अपनी कंट्री में भी नए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस करें। जब हर फील्ड में कर रहे हैं, अब बेटर मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेसिकली लग्जरी आइटम्स हैं, तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर में भी बेटर आउटपुट लाने की कोशिश करें। वो तो बेसिक चीज़ है, रोटी तो सभी खाते हैं, कितना ही रिच आदमी हो खाएगा तो रोटी, है ना। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में भी साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी अगर ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सो बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन लीड टू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। देखो, जो बीज हैं, अगर बीज अच्छे होंगे तो आउटपुट अपने आप अच्छी होगी। तो इन्होंने क्या कोशिश की, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, नहीं, और इसको जगह जगह तक पहुँचाने के लिए इन्होंने एक सीरियस एफर्ट किया। इन्होंने एक कॉरपोरेशन भी बनाई इस काम के लिए, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। सो लैंड रिफॉर्म्स में जो सबसे पहला स्टेप लिया गया, वो ये कि अच्छी क्वालिटी के बीज हमारे किसानों को दिए गए, और उनको ये बीज सही तरीके से, सही टाइम पर, सही रेट पर, सही क्वालिटी के जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो मिलें। उसके लिए एक नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन भी सेटअप की गई, जिससे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स प्रॉपर हो सके। इसी तरह से खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस रहती है। अगर अच्छे खाद होंगे तो डेफिनेटली आउटपुट बेटर होगी। नाउ इसके अलावा एक कंपोस्ट मैन्योर भी होती है, ये एक तरह से आप समझिए जैसे ऑर्गेनिक खाद है या नेचुरल खाद है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, उसके इस्तेमाल को भी जो है वो प्रमोट किया गया।
अब ये मैंने नेट से सर्च किया, ये कंपोस्ट मैन्योर कैसे बनती है, तो ये आप याद ना भी रखें तो चलेगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा कि कंपोस्ट मैन्योर यूज़ की गई, ये याद रखना तो एक स्टूडेंट को ज़रूरी है, बट हाउ दिस कंपोस्ट मैन्योर इज़ क्रिएटेड। बट फिर भी मैंने सोचा नॉलेज के लिए तो थोड़ा सा मैंने ये सर्च करके आपके लिए डाला है। इसमें हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, एक हीप ऑफ वेटेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ग्रीन वेस्ट है ना, ग्रीन वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया लीव्स, फूड वेस्ट, ग्रास क्लिपिंग्स, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके जो है वो सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, हीप ऑफ वेटेड ऑर्गेनिक मैटर। एंड ये मटेरियल्स जो हैं अपने आप नेचुरल प्रोसेस में कुछ हफ्तों या महीनों में दे ब्रेक डाउन इंटू ह्यूमस, लाइक मीन्स सॉइल कंडीशनर या फर्टिलाइजर, तो ये अपने आप जो है सड़ के खाद बन जाती है। भगवान के बनाए हुए सिस्टम्स हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं, सिर्फ सीखना है कौन सी चीज़ कैसे बनेगी और कैसे हमारी आउटपुट को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। तीसरा जो था वो था इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हमारी फसल जो है वो जो उसको ख़राब कर देते हैं छोटे छोटे कीटाणु और फ्लाइंग, जैसे हम बचपन में भी देखते थे हमारे आसपास छोटी मोटी कोई फील्ड्स होती थी तो उसके ऊपर बहुत कुछ वो तितलियाँ सी और वो टिड्डे और वो जिसको मजाक में हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं, तो इसी तरह से खेतों में हर तरह के खेत के लिए अलग अलग बने हुए हैं। अब भगवान ने सबको अपना खाने की व्यवस्था दी भी है तो कोई जाके वो खेतों में इन सब चीज़ों को खा जाते हैं जो कीटाणु होते हैं या जीव उड़ने वाले फ्लाइंग इंसेक्ट्स, अब उनके लिए तो ठीक है कि वो पेट भरने का है, लेकिन अगर उनका पेट भरेगा तो फिर इंसानों का तो रह ही जाएगा, तो इसलिए उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बारे में ट्रेनिंग देना, अब ऐसा भी ना हो कि बहुत जहरीली हों, पता लगा कि वो जो अनाज है वही जहरीला हो गया, तो एक सही ट्रेनिंग देना फार्मर्स को वो भी बहुत ज़रूरी था, और उसके हिसाब से इस एरिया पे भी काम किया गया, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, है ना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको भी प्रमोट किया गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये पेस्ट जो है ये वही हैं जो कीड़े वगैरह रहते हैं, सो उनके लिए उनको मैनेज करना सो दैट हमारी जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए भी जो है ये कार्यक्रम किया गया, राइट। देन इसके अलावा 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की गई, ये भी एक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो क्रिएट किया, बात समझ में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को क्रिएट किया गया सो दैट इसके अंदर जो है मैक्सिमम काम किया जा सके, राइट। किस लिए किया गया, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये डेवलप किया गया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बकायदा इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और ऑब्वियसली फिर उसमें साइंटिस्ट अपॉइंट किए गए। जैसे मैंने कहा, जब लग्जरी आइटम्स को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च की जा सकती है, आप टेलीविजन में एड्स देखते होंगे कि हाँ जी हमने बड़ा रिसर्च करके ये घड़ी डिटर्जेंट बनाया है या हमने फलाना शैम्पू बनाया है जिससे आपके बाल बड़े हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, है ना, डैंड्रफ नहीं रहेगा, जब हर चीज़ में ही रिसर्च करते रहते हैं तो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो तो बेसिक नीड है, हर आदमी की बेसिक नीड है। नहीं, एक टाइम आदमी को घर ना मिले सड़क पे रह जाएगा, लेकिन रोटी ना मिले तो भूख से वो सोएगा कैसे, मर ही जाएगा एक दो दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च, और उसी काम के लिए गवर्नमेंट ने बहुत राइट डायरेक्शन में नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च की फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुत सारे और भी काम किए, मैं हर चीज़ को अलग अलग हाईलाइट करूँगा, आराम आराम से इसको पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एज पर क्वालिटी ऑफ लैंड, देखिए हर ज़मीन पर हर चीज़ नहीं उग सकती, या इसको पॉजिटिवली कहा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसी ज़मीन की क्वालिटी होगी उसी हिसाब से अगर क्रॉप को उगाया जाए तो बेटर रिजल्ट होगा, इस चीज़ को प्रमोट किया गया। फिर क्रॉप रोटेशन, एक ही चीज़ बार बार उगाने से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो क्रॉप रोटेशन ट्राई किया गया। देन ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कुछ इरीगेशन फैसिलिटी हमारी कंट्री की उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो ऐसे में ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस। देन जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो दुनिया भर के हमारे उर्वरक हैं, खाद हैं, उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे बेटर आउटपुट हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से निकाली गई कि ज़मीन की क्वालिटी के हिसाब से कौन सी क्रॉप सेलेक्ट की जाए, क्रॉप रोटेशन, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए, तो नेचुरली टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड्स भी होने चाहिए।
तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके क्या कोशिश किया गया, ये सारे पॉइंट्स कोशिश किए गए, है ना। अगर आप याद रख सकें तो ये भी अच्छा लाइन है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हमने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर हम अब रिवाइज करें तो चार स्टेप्स अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहले हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, अच्छी बीज दिए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए गए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स दिए गए, और इसके अलावा साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ की गई ताकि क्रॉप रोटेशन हो सके, ड्राई फार्मिंग हो सके, और ये पता चल सके कि कौन सी लैंड पे कौन सी जो है आउटपुट बेटर आएगी, वो सारा काम जो है इसके अंदर किया गया, राइट। चलिए इसके बाद एक स्टेप और है, वो है पैसा, बेटर फाइनेंस फॉर मशीनाइज्ड फार्मिंग। देखिए कहीं ना कहीं किसान मदद मेहनत करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर उसको थ्रेशर दे दिया जाए, उसको ट्रैक्टर दिया जाए, वो मशीन्स की हेल्प से अगर खेती करे तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो मशीन्स खरीदने के लिए चाहिए चीप क्रेडिट, ईजी क्रेडिट, चीप क्रेडिट, पैसा मिलेगा तभी तो काम करेगा। तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप किया गया, रीजनल रूरल बैंक्स, स्पेशली रीजनल रूरल बैंक्स को डेवलप किया गया, कमर्शियल बैंक्स को भी बोला गया कि वो अपने टारगेट्स में इस चीज़ को लें और जहाँ तक हो सके फार्मर्स को लोन मुहैया कराएं। देखिए जब तक हमारे फार्मर्स को प्रॉपर रेट पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनको बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, जब तक खेती की आउटपुट नहीं आ जाती, उनको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ टर्म, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी से, रूरल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या और स्पेशलाइज्ड एजेंसी से जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट क्रिएटेड हैं, गवर्नमेंट एनकरेज्ड हैं, उन सोर्सेज से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लोन नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। क्योंकि जो ये महाजन हैं, मनी लेंडर हैं, डेफिनेटली दे मे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सप्लॉयट दीज पुअर पीपल। अब अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा तो डेफिनेटली ये कैसे ग्रो करेंगे, और जब तक फार्मर, हमारे देश का किसान ग्रो नहीं करेगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पीछे ही रहेगी। तो उसके लिए जरूरी था कि एज ए पार्ट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, पैसे की जो जरूरत होती है फार्मर्स को, उस पर भी काम किया जाए। तो टोटल 5 तरह के रिफॉर्म्स हमने पढ़े, अच्छे बीज सीड्स उनको दिए जाएं, फर्टिलाइजर्स उनको दिए जाएं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स दिए जाएं, साइंटिफिक टेक्निक्स दी जाएं, और प्रॉपर फाइनेंस दिया जाए। ये 5 एरिया जो हैं यूज़ किए गए टेक्निकल रिफॉर्म्स की फॉर्म में, जिससे ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। अब आइए सेकेंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या किया गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं इसको, या लैंड रिफॉर्म्स कहेंगे इसको, राइट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। इसके जो 2 ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? सबसे पहली बात कि टू एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द फार्मर्स। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट ये था कि जो हमारे किसान हैं उनका एक्सप्लोइटेशन बहुत करते हैं ये लोग, जो ज़मींदार हैं या अमीर लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास ये किसान टिलर्स ऑफ द सॉइल जाके काम करते हैं, ये इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाता है, क्रॉप को ग्रो करने में ये कोई शेयरिंग नहीं करते, और जो आउटपुट आती है उसमें से मेजर पोर्शन रख के इनको बस जिंदा रहने के लिए थोड़ा आउटपुट दे दिया जाता है, इसको फिर ये बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सो टू एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ एक्चुअल फार्मर्स, दैट वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब अगर अमीर और अमीर और अमीर होता जाएगा, और गरीब और गरीब और गरीब होता जाएगा, तो डेफिनेटली जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग। ऐसे देश में फिर अराजकता, यानी कि अनरेस्ट होता है। अनरेस्ट होने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है और समाज पूरी तरह से गड़बड़ाता है। सो डेफिनेटली ये 2 मेजर ऑब्जेक्ट लेके गवर्नमेंट चली कि भैया अगर हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने हैं तो हमें 2 एरियाज़ पर जो है वो काम करना ज़रूरी है।
टू एरियाज वेयर वी हैव टू वर्क, दो एरियाज पर काम करना लैंड रिफॉर्म्स में बहुत जरूरी समझा गया। एक तो सबसे पहली बात कि जहां तक हो सके हमारे किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो खत्म किया जाए, उनको एक सही रेट मुहैया कराए जाएं। इसमें भी हम पढ़ेंगे कि अब गवर्नमेंट ने कुछ जो है लेटेस्ट अब ये सिस्टम बना दिए हैं कि कुछ मिनिमम बाइंग प्रोग्राम रखते हैं कि भाई इतने पर तो हम आपकी फसल खरीद ही लेंगे, तो एटलीस्ट किसान को एक प्रोटेक्शन रहती है कि जो चीज़ मैंने ग्रो की वो वेस्ट नहीं जाएगी एंड ही विल नॉट बी फोर्स टू कंज्यूम कि बस सिर्फ हम खुद खा सकते हैं या बांट सकते हैं, नहीं, अब वो गवर्नमेंट खरीद ही लेगी। इसके अलावा और भी अभी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कि कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स के यूज़ किए गए, बट मेन ऑब्जेक्ट क्या था लैंड रिफॉर्म्स का कि जहाँ तक हो सके एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो किसानों की, ये दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स जो है एज फार एज पॉसिबल ख़त्म हो और जो गरीब और अमीर का अंतर है, इनइक्वालिटी है, उसका एलिमिनेशन हो, दैट वॉज द मेजर ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या किया गया, गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टूवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स की तरफ ये सारे स्टेप्स जो है वो लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए लिए, दैट वी हैव टू स्टडी। पहला, रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी एक मुसीबत एग्रीकल्चर सेक्टर की थी जमींदारी सिस्टम। ये जो जमींदार थे ये अंग्रेजों ने क्रिएट किए, उनका ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ लोगों को पावर दे दी जाए, इससे उनको उन जमींदार लोगों से डील करना ईजी था। अब अगर एक गांव में 100 किसान हैं तो उनके ऊपर अगर एक जमींदार सेट कर दिया जाए तो देखा जाए ब्रिटिशर्स के लिए ईजी था कि उस जमींदार से ही पैसा ले लिया जाए और वो अपने आप आगे कलेक्ट करता रहे। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो ये सही डिसीजन लिया था। मैं इस डिसीजन को अंग्रेजों के हिसाब से प्रेज करूंगा कि उनका ये सिस्टम अच्छा था, लेकिन सोशल जस्टिस के एंगल से, कंट्री की ओवरऑल इंप्रूवमेंट के एंगल से ये एक्सप्लॉयटेटिव प्रूव हुआ। इसीलिए फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए जमींदार सिस्टम ख़त्म किया गया और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि चाहे किसी की ज़मीन कम है, ज़्यादा है, जो भी है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डील करेगी। जैसे आज की तारीख में जो इनकम टैक्स लगता है, जो सेल्स टैक्स लगता है, दुकानदार अगर बहुत छोटा है, इनकम अगर बहुत कम है, तो सरकार उसको खुद ही एग्जेम्पशन दे देती है। लेकिन अगर इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, अगर सेल्स किसी दुकान की एक लिमिट से ऊपर बढ़ती है, तो उसको डायरेक्टली सरकार को वो टैक्स जमा करना होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक आम आदमी का सरकार से डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। सरकार किसी भी एक किसान को डायरेक्टली या तो केस उस पर करके अपनी रिकवरी कर सकती है या उसको डायरेक्ट कोई बेनिफिट, कोई सब्सिडी दे सकती है। ये जमींदार बीच में एक पर्सन क्रिएट करने वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर लैंड रिफॉर्म्स। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब ये नहीं है कि आपने जमीन दी है किसान को काम करने के लिए तो आप जितना मर्जी किराया मांग लेंगे। इसको आम तौर पर मैक्सिमम 1/3 पर फिक्स किया गया है कि भाई आप इससे ज़्यादा किराया नहीं मांग सकते। ये भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसी तरह से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब एक किसान है, उसके मान लेते 3 जगह अलग अलग प्लॉट हैं छोटे छोटे, सरकार चाहे तो इसमें मदद कर सकती थी तो वो उन्होंने की भी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है कि किसान के छोटे छोटे प्लॉट उससे ले लिए जाए और उसके बदले में उसको एक बड़ा प्लॉट दे दिया जाए। नेचुरली ये काम सरकार ही कर सकती है, आपस में तो हमारे मनमुटाव हो ही जाते हैं, हम कर नहीं पाते ये काम, हम चाहें तो खुद भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर वो नहीं हो पाते। इसीलिए किसी बड़ी अथॉरिटी यानी कि सरकार की ज़रूरत पड़ती है जो सभी किसानों से छोटे छोटे उनके प्लॉट लेके उनको एक कंसोलिडेटेड वे में प्लॉट उनके वापस कर दे। ऐसा करने से उन लोगों को खेती करना आसान होता है और रिजल्ट भी बेटर आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जैसे मैंने कहा जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाएगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट कि भाई आप लैंड होल्डिंग, आपके पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन हो सकती है। अगर किसी के पास उस लिमिट से भी ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार उस ज़मीन को लेके जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स और लैंड लेस लेबरर्स। जिनके पास ज़मीन नहीं है फिर सरकार ऐसी सिचुएशन में उन छोटे स्मॉल होल्डर्स को या लैंडलेस लेबरर्स को वो ज़मीन अलॉट कर देती है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलकर अगर वो फार्मिंग करेंगे तो इससे बेटर मार्केटिंग होती है, बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ होते हैं। कोऑपरेटिव जैसे होता है ना, कुछ लोगों को मिलकर कोऑपरेशन में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाने की कोशिश की और उन लोगों ने मिलकर जब काम किया तो फिर डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सामने साफ साफ जो है वो नज़र आ रहे हैं हमारे 5 पॉइंट्स, तो मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ यहाँ पर। रिमूवल ऑफ जमींदार्स,
रेगुलेशन ऑफ रेंट मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा आप नहीं लेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ज़मीनें सरकार ने जो है वो किसानों की इकट्ठी की, सीलिंग लगाई लैंड होल्डिंग्स पर, और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उन्होंने प्रमोट किया। ये हमने इसमें मेनली पढ़ा। इसके अलावा एक सेकेंड, हमने जो इसके अंदर और दूसरा जो पॉइंट हमने स्टडी किया था इसके अंदर हमने पढ़ा था, इसको भी हम हाथ के हाथ रिवाइज़ कर लें, इसी चैप्टर में इसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेक्निकल रिफॉर्म्स में बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज में हमने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग कंपोस्ट मैन्योर, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और बेटर फाइनेंस फॉर मशीनाइज्ड फार्मिंग हमने किया। ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट द जनरल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Thank you. This is Neeraj Gupta.